हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ एनमे डेविल्स लाइन का। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। तो ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जिसमें ह्यूमंस के साथ साथ वैम्पायर भी कोएग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ह्यूमंस को इस बात का पता नहीं होता कि वैम्पायर्स रियल है या नहीं। और मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा, क्योंकि इस बात का पता तो गवर्नमेंट को भी नहीं होता कि वैम्पायर्स रियल हैं। इस बात का पता बस कुछ ही लोगों को होता है जो उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि वैम्पायर्स आम लोगों की तरह ही दिखते हैं और उन्हें ज़िंदा रहने के लिए ब्लड की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब वो ब्लड को देखते हैं तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और ब्लड को सक करने लगते हैं, और जिसके कारण उस मनुष्य की, यानी कि हम कह सकते हैं उस ह्यूमन की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ ब्लड लॉस। यस, और बात करें इस एनमे के स्टूडियो की, तो इस एनमे का स्टूडियो है प्लैटिनम विजन, और ये एनमे एड हुआ था अप्रैल 2018 टू जून 2018। और इसके जानना है एक्शन ड्रामा रोमांस सोनिन और वैम्पायर। यस, और मेरी मानिए इसमें आपको रोमांस और एक्शन देखने को मिलेगा भरपूर। और हाँ, वैम्पायर तो देखने को मिलेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इस एनमे को आईएमडीबी से रेटिंग मिली है 6.8 आउट ऑफ 10, और 9 एनमे जो कि एक साइट है जहाँ से हम एनमे वॉच कर सकते हैं, उसमें इसे रेटिंग मिली है 8.5 की, जो कि एक अच्छी रेटिंग है। तो बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो स्टोरी का मेन फोकस होता है आंजाई, जो एक हाफ वेम्पायर है, और सुकासा जो एक नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल है। यस, और वो आपस में एक एक्सीडेंट के थ्रू मिलते हैं, क्योंकि आंजाई वेम्पायर्स एक्सीडेंट को रोकने का काम करता है। उनके लिए एक स्पेशल स्क्वाड होती है और वो स्क्वाड का एक हिस्सा होता है, और सुकासा के आसपास एक वैम्पायर होता है, इसलिए वो किसी भी तरह के, मान लो एक्सीडेंट को रोकने के लिए आंजाए सुकासा के आसपास ही रहता है। और इससे सुकासा उसकी तरफ इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इसी तरह स्टोरी आगे बढ़ती है, और इस स्टोरी का एंड ठीक ही है। एपिसोड 12 तक, नो 12 नहीं, 12 के अंत तक पूरे एपिसोड को देखना, तभी आपको स्टोरी पूरी समझ में आएगी। और इसकी एक हैप्पी एंडिंग है। यस, हैप्पी एंडिंग कह सकते हैं। और 13वां एपिसोड ओवीए है, जिसमें हमें आंजाई के फादर की स्टोरी दिखाई जाती है। यस, आंजाई का फादर एक वैम्पायर है और उसकी मदर एक ह्यूमन है। स्टोरी बहुत ही बढ़िया है, आपको एक बार इसे चेकआउट ज़रूर कर लेना चाहिए। और अगर आपने इस एनिमे को पहले ही देख लिया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कि आपको यह एनिमे कैसा लगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और एनिमे का रिव्यू भी करूं तो मुझे कमेंट कर देना। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।